खुलासा में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस नेता ललन कुमार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि केंद्र सरकार जितने भी प्रवासी मजदूर बिहार और यूपी के हैं, तमाम गरीब प्रवासी मजदूरों को 10-10 हज़ार रुपए उनके खाते में डाल दे। जो गरीब असहाय मजदूर हैं, जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उसको केंद्र सरकार और भारत सरकार के द्वारा 10 हज़ार रुपए की देने के। ललन कुमार ने अपने वीडियो मैसेज में कहा है कि वो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हैं कि वो भी चूंकि गरीब परिवार से आते हैं, उनको गरीबों की समस्या से भलीभांति वो परिचित हैं, और ऐसे में जो गरीब जिनका रोजगार छिन गया है, जिनके पास कोई काम नहीं है, वो प्रवासी मजदूर जो लौट के अपने घरों को जा रहे हैं, जिनके पास खाने के साधन नहीं हैं, जिनके पास अनाज का एक दाना नहीं है, ऐसे तमाम गरीब मजदूरों के लिए केंद्र सरकार यह फैसला ले और प्रधानमंत्री राहत कोष से इन तमाम गरीबों को, प्रवासी मजदूरों को अपनी ओर से ये सहायता राशि दे, ताकि ये गरीब अपना जीवन यापन कर सकें।